हे गाइस, वेलकम टू माय घरेलू नुस्खे यूट्यूब चैनल। आज हम आपको हरी मेथी और बथुए के फ़ायदे बताने वाले हैं। जी हाँ, हरी मेथी और हरे बथुए के इतने फ़ायदे हैं कि आप जान करके हैरान होंगे। दोनों को यदि मिला करके इनका साग बना लिया जाए या जूस बना लिया जाए या फिर इनकी भूजी बना ली जाए, और ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार बेहद जरूरी है, जिनमें से यह एक है। हरी मेथी और हरा बथुआ ब्लड प्रेशर और हृदय रोगों में बेहद फायदेमंद है। बात करें बथुए की और मेथी की, यदि किसी को खून की कमी है तो यह दूर करते हैं। इससे बने हुए साग में फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। कब्ज की समस्या को भी यह दूर करता है या पेट से संबंधित सभी बीमारियों को यह दूर करता है। बात करें आंखों की रोशनी, तो यह आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। मेथी और साथ साथ में बथुआ दोनों को मिलाकर के हम भुजी बना सकते हैं और अपने बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, या फिर इनको आटे में गूंथ करके मिला करके उबाल करके और फिर हम इसकी रोटी बना करके, पराठे बना करके, पूरी बना करके इनको हम बच्चों को दे सकते हैं। आजकल जो बच्चों में आँखों की सबसे बड़ी समस्याएं आ रही है, क्योंकि आजकल अधिकतर बच्चे फ़ोन पर या फिर टैब पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर ज़्यादातर टाइम बिताते हैं, उसकी वजह से बच्चों की आजकल आँखों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है और ज़्यादातर सभी बच्चों को अब चश्मा लगा हुआ है। यदि हम हरी मेथी का, हरे बथुए का इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चों को खाने के लिए देते हैं, सुबह अगर नाश्ते में हम ये देते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है और बच्चों की आंखों के लिए तो ये रामबाण औषधि है। बात करें आजकल के बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे, कम उम्र में ही बच्चों के आजकल बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं, उनके लिए भी यह बहुत ही कारगर है। त्वचा के रोगों में भी बथुआ और मेथी बहुत ही काम करती है और फायदेमंद है। यदि किसी को फुंसी फोड़े हो रहे हैं, पिंपल हो रहे हैं, कील मुहासे हो रहे हैं, बथुए को पेस्ट बना करके और उसे लगा लीजिए और 10 मिनट बाद धो दीजिएगा, आपका चेहरा दमकने लगेगा और कील मुहासे सब दूर होंगे। तो ये थे बथुए और हरी मेथी के फ़ायदे। इन्हें आप सर्दियों में अवश्य खाएं और अपने बच्चों को भी दें, बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ऐसी ही जानकारी के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।